गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज योर सीरीज पीरियड। वी आर डूइंग रिवीजन। टुडे वी विल डू ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू मींस करेक्ट सेंटेंसेस, फॉल्स मींस रॉन्ग सेंटेंसेस। तो आज हम क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने यहाँ ए भी लिखे हैं सिर्फ, लेकिन हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बुक के अंदर दे रखे हो, आपको सारे करने। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वरना आपको करने तो सारे ही। अब क्या करेंगे हम, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। हम क्या करेंगे, जो सेंटेंस आपको राइट लगता है, करेक्ट लगता है, उस पर आप टी लिखेंगे। जो सेंटेंस आपको रॉन्ग लगता है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर आप एफ लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे, क्या ये सही है या गलत है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, अ न्यूक्लियर फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली। क्या न्यूक्लियर फैमिली एक स्मॉल फैमिली होती है? न्यूक्लियर फैमिली मीन्स अ फैमिली इन विच पेरेंट्स लिव विद देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स लिव विद देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स मीन्स मम्मी पापा और बच्चे। तो न्यूक्लियर फैमिली स्मॉल फैमिली होती है या लार्ज फैमिली? स्मॉल होती है। सो द सेंटेंस इज करेक्ट। अब करेक्ट तो हम क्या लिखेंगे, टी, टी फॉर ट्रू, सही बात। आप क्या लिखोगे, अगर यह होता अ न्यूक्लियर फैमिली इज अ बिग फैमिली और लार्ज फैमिली, तो आप क्या लिखते, फॉक्स, क्योंकि तो गलत है। माई मदर कुक्स फूड इन द डाइनिंग रूम। माई मदर कुक्स फूड इन द डाइनिंग रूम। मेरी मम्मी डाइनिंग रूम में खाना बनाती है। आपकी मम्मी डाइनिंग रूम में बनाती है खाना? कहाँ बनाती खाना? वेयर डू योर मदर कुक फूड? माई मदर कुक फूड इन द किचन। माई मदर कुक्स फूड इन द किचन। मम्मी तो खाना किचन में बनाती है। डाइनिंग रूम इज अ प्लेस वेयर वी हैव अवर लंच और डिनर। डाइनिंग रूम में तो खाना खाते हैं, खाना बनाया कहाँ जाता है, कुक कहाँ किया जाता है, किचन में। माई मदर कुक्स फूड इन द डाइनिंग रूम, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो वी विल राइट एफ। एफ मीन्स गलत, फॉल्स। अ फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल। क्या फैमिली बड़ी और छोटी हो सकती है? ऐसा नहीं है, बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए? नो, फैमिली बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। जिसके दादा दादी, अंकल आंट और सब साथ रहते हैं, वो बड़ी फैमिली होगी। और जिसके मम्मी पापा और सिर्फ बच्चे रहते हैं, वो स्मॉल फैमिली होगी। तो दोनों तरह की फैमिली हो सकती है। अब फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल, फैमिली बड़ी भी हो सकती है, दिस इज ट्रू। सो वी राइट हियर टी। स्पीक रूडली टू अदर्स। रूडली मतलब गंदे तरीके से बोलना, अच्छे तरीके से बात नहीं करना, पोलाइटली बात नहीं करना। स्पीक रूडली टू अदर्स, दूसरों से रूडली बोलना चाहिए, गंदे तरीके से बोलना चाहिए? कोई कुछ पूछे आपसे, जोर से चिल्ला के बोलना चाहिए? नहीं, यू शुड नॉट स्पीक रूडली। वी ऑलवेज स्पीक पोलाइटली एंड गुड मैनर, है ना? सो स्पीक रूडली टू अदर्स इज अ बैड थिंग, यू शुड नॉट फॉलो इट। दैट्स व्हाई इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। वी विल राइट हियर फॉर। ऑबे योर एल्डर्स, दैट इज ऑल्सो गुड हैबिट। ऑबे योर एल्डर्स, क्या हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए? एल्डर्स मीन्स मम्मी पापा भी बड़े हैं, भैया दीदी भी बड़े हैं, दादा दादी चाचा मैम सब बड़े होते हैं आपसे। जो भी आपसे बड़े हैं, हमें उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनका ऑबे करना चाहिए, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए बोलते हैं, है ना? तो ऑबे योर एल्डर्स इज अ गुड थिंग, यू शुड फॉलो इट। दैट्स व्हाई राइट हियर ट्रू। आवर फैमिली गिव्स अस लव एंड What does a family give us? Question है आपका, What does a family give us? A family gives us love and support. ये तो उसी का आंसर आ गया पूरा का पूरा। What does a family give us? A family gives us love and support. हमारी फैमिली हमें प्यार करती है, हमें सहारा देती है, है ना? हमें घर देती है। घर में रहने के लिए फैमिली होगी तो रहेंगे ना, कहाँ रहोगे अकेले? So family gives us love and support, love and care, so many things. आप इसको right मानेंगे या wrong मानेंगे? Correct. और क्या लिखोगे इसको? True. और इस line को आप याद करेंगे तो आपके exam में question में भी काम आएगी. We need only water to grow. We need only water
क्या सिर्फ पानी पीकर ग्रो कर सकते हैं? नो, नेवर। खाली पानी से क्या होगा? हमें फूड भी चाहिए, फ्रूट्स भी चाहिए, वेजिटेबल्स भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, सब चाहिए। ओनली वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अवर ग्रोथ, वी नीड ओनली वाटर टू ग्रो। क्या हमें बड़े होने के लिए, ग्रो करने के लिए सिर्फ पानी चाहिए? इट इज नॉट करेक्ट, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो वी राइट हियर फॉल्स। नाउ लास्ट सेंटेंस, वी हैव सेवन सेंस ऑर्गन्स। वी हैव सेवन सेंस ऑर्गन्स। क्या हमारे सेवन सेंस ऑर्गन्स हैं? आप बता सकते हैं हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू यू हैव? हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स? फाइव। नेम बताइए, कौन कौन से? ईयर्स, आईज, नोज, टंग एंड स्किन। वी हैव ओनली फाइव सेंस ऑर्गन्स, ईयर्स, आईज, नोज, टंग एंड स्किन। वी हियर बाय अवर ईयर, वी सी विथ अवर आईज, वी स्मेल विथ अवर नोज, वी टेस्ट विथ अवर टंग एंड वी फील विथ अवर स्किन। ये पांचों सेंस ऑर्गन आपकी मैजिक में भी आ सकते हैं। और आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है? वी हैव सेवन सेंस ऑर्गन। सीनी, नो नो, वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन। अगर यह फाइव सेंस ऑर्गन होता तो करेक्ट, ये सेवन इसलिए ये फॉल्स, रॉन्ग हो गया। ठीक है, आप इन सब सेंटेंसेस को कॉपी में लिखेंगे और उसको बार बार रीड करेंगे और समझेंगे कि ये मैम ने कराया राइट और रॉन्ग तो क्यों करवाया। और भी क्वेश्चन आपके बुक के अंदर हैं, उनको भी पढ़ना है, सिर्फ ये नहीं पढ़ना है, वो भी पढ़ने हैं। ठीक है ना, कोई से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं।